गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग टुडे। गाइस ये जो है मैं यहाँ पर अपना वर्केशन कर रहा हूँ सिक्किम गैंगटॉक में, और मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा है यहाँ का जो वेदर है। देखिए यहाँ पे सामने पहाड़ है, थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, दिख नहीं रहा है, और ये सड़क चल रही है यहाँ से, बहुत ही नेचर के करीब लगता है यहाँ पे। तो आप भी अगर चाहते हैं कि कुछ थोड़ा अलग सा हो जाए तो आप एक ऐसा वर्केशन कर सकते हैं जो नियर बाई हिली एरियाज हो। तो अभी आज का दिन शुरू करते हैं, देखते हैं मैं आज क्या क्या करता हूँ। बहुत सारा काम है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर जो काम करना है, बाकी आगे देखते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कॉलेज जाके क्या करेगा भाई? क्या पढ़ना है इसे? पढ़ेगा, पढ़ के क्या करेगा भाई? बिजनेस बिजनेस के लिए पढ़ाई नहीं मांगता, दिमाग मांगता है। क्या बोल रहा है दूसरा पार्टी? पानी नहीं आ रहा किचन में, सब बोल रहा है उसको चलाना नहीं आ रहा होगा। ऑन करने से इंस्टेंट तो कैसे आएगा अभी? टाइम लगेगा ना भाई, 10-15 मिनट छोड़ने का कम से कम है ना। इंस्टेंट गीजर भी नहीं है ना, इंस्टेंट गीजर तो छोटा है, था 1 मिनट में भी हो जाता है। वो तो कितने का है? 4-5 लीटर का है ना, टाइम लगेगा ना उतना, था छोटा बच्चे का साइज का है वो। टाई वाई लगा लिया भाई? लगा लिया भाई, अब निकल रहा है सीधे कॉलेज। हैं, क्या बात है, नहाएगा नहीं? सीजन नहीं चल रहा है, 4-5 दिन में एक बार नहा लेने का है। अच्छा, चाय आ चुकी है और हमारे पास जो है ब्रेड भी है, तो 2-3 ब्रेड खाएंगे, चाय पियेंगे और एडिटिंग करेंगे शाम में। तो अभी जो है आज का दिन शुरू करते हैं एडिटिंग से, जल्दी निपटा के एडिटिंग, फिर जो है मैं अपने ऑफिस का काम करता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है वो, और उसके बाद देखेंगे, शायद अगर टाइम बचा तो कहीं घूमने जाएंगे, काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सब जो है आज हम खाने वाले हैं। फिर उसके बाद मैंने रूम जो है चेंज किया है, तो मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ कि मेरा रूम कैसा है। थोड़ा बजट रूम है और सही है मेरे लिए, तो मस्त जगह है ना। एक्चुअली मैंने जो है ना अपना रूम चेंज कर लिया है, मैंने दूसरा रूम ले लिया है, तो मैं आपको इस रूम का टूर देता हूँ। ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है और मुझे सही रहेगा, क्योंकि मैं लॉन्ग स्टे कर रहा हूँ, तो जो भी लॉन्ग स्टे कर रहा है उसके लिए थोड़ा बजट इशू हो जाता है ना, तो इसलिए तो बजट फ्रेंडली है मेरे हिसाब से। ये बहुत सही रूम है, छोटा है और मुझे इतना ही चाहिए, ज़्यादा की मुझे ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा रूम जो है दिखा देता हूँ कि किस तरीके का रूम है, क्या क्या चीज़ें इसमें जो है। यहाँ से जो है एंट्रेंस है इसका, और यहाँ पर जो है मेरे जूते रखे हैं, और ये देखिए रूम, ये सारा मेरा रूम है। यहाँ पर मेरा लैपटॉप रखा है, यहाँ पर मेरा बैग रखा है, यहाँ पर मेरा जो है काम करने की जगह है, और ये मेरा बेड है। ओके, और आगे जाएंगे तो ये एक मिरर मिलेगा इधर साइड में, नीचे एक टेबल है, और ये एक अलमारी है, और यहाँ पर जो है अपने कपड़े वगैरह रख सकता हूँ। ठीक है, और वो जो है सीधे बाथरूम है, उसको क्या दिखाना। ठीक है, और ये जो है छोटा सा मेरा रूम है जो मेरे लिए काफ़ी है, और मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि मुझे काफ़ी स्पेस चाहिए और बजट फ्रेंडली चाहिए, क्योंकि जब लॉन्ग स्टे करते हैं तो जो है बजट का इशू आ जाता है। तो गाइस ये जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो छोटा ही रूम चाहिए, बजट फ्रेंडली चाहिए, ताकि मैं जो है लंबा रुक सकूँ यहाँ पे और अपना काम कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि जो वर्केशन करने आया हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे तो अच्छे रेट में और सही रूम चाहिए, ताकि मैं जो है प्राइवेट रूम मुझे मिल गया सही रेट में,
ताकि मैं अपना काम कर सकूं, ठीक है। और इस रूम के जो मेन हाईलाइट है वो ये है खिड़की, ठीक है। ये जो विंडो है यहाँ से जो बाहर का नज़ारा देखे ना, हाय हाय क्या ग्रीनरी है भाई, सामने माउंटेन है और इधर देखिए ये पहाड़ों पे बने हुए घर हैं। आपको मालूम होगा कि पहाड़ों पे ऐसे घर होते हैं, ठीक है। और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, शायद अभी तो हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो ये काफ़ी सही है यहाँ से व्यू। यहाँ से जो हवा है ना वो काफ़ी अच्छी आती है, यहाँ पर जो बैठते हैं ना और सामने से हवा आती रहती है, ऐसा लगता है कि हाँ किसी जगह पर है, सड़क चल रही है, हो रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं से बाहर आए के रह रहे हैं, ठीक है। तो ये है किरण्स किचन, यहाँ पर आज जो है मोमोज ट्राई करेंगे, तो मोमोज खाएंगे आज।